नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके वर्मा बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेनेटिक्स में सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अधिकांश एनिमल्स और एनिमल्स से भी ज़्यादा संख्या में प्लांट्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिनमें कि मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण ठीक उसी तरह होता है जैसे कि अन्य अंगों का होता है। इसलिए वहाँ पर अलग अलग मेलनेस या फीमेलनेस का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब कोई एनिमल या प्लांट यूनिसेक्सुअल होता है तब यह बात आती है कि आखिर में कोई एक मेल और कोई दूसरा फीमेल कैसे उत्पन्न हो जाया करता है। अब मेल और फीमेल बनना सिर्फ कोई एक अकेले गुण से तो संभव नहीं है, उनमें कई तरह के ऑर्गन्स बनते हैं और हर ऑर्गन का अपना कुछ विशेष फिजियोलॉजी होता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक जीन से कोई एक मेल बन जाता है तो कोई दूसरा फीमेल बन जाती है। लेकिन ये हो सकता है कि कोई एक ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम हो, नियंत्रक तंत्र हो, जिससे कि मेल के सारे जीन ऑन हो जाएं और फीमेल के ऑफ हो जाएं तो मेल बन जाएगा, या फीमेल के सारे जीन ऑन हो जाएं और मेल के सारे जीन ऑफ हो जाएं तो फीमेल बन जाएगी। तो यह संभावना होती है, लेकिन जीन तो दिखाई पड़ते नहीं हैं, इन्हें आज भी ठीक से पहचानना मुश्किल काम है। तो इसलिए वास्तव में जीन के स्तर पर कैसे मेल या फीमेल का निर्माण होता है इसे समझाना जरा कठिन है। फिर भी साइटोजेनेटिक्स के अध्ययन करने वाले पूर्व वैज्ञानिकों ने दो प्रकार की घटनाएं देखी। एक में तापक्रम के असर से मेल और फीमेल का निर्माण होता है, तो दूसरे में क्रोमोसोम के प्रकारों में अंतर के कारण, टाइप ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंस के कारण मेल या फीमेल की उत्पत्ति होती है। अब देखिए टेम्परेचर का प्रभाव क्या होता है। तो कई रेप्टाइल्स जैसे कि एलिगेटर्स हैं, कुछ कछुए टर्टल्स हैं और न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एस्फेनोडॉन या टुआटारा है, इनमें तापक्रम का सीधा असर होता है। इनमें मेल फीमेल का बनना एग के इनक्यूबेशन के तापक्रम पर निर्भर करता है। अब पैटर्न वन, यह पहला पैटर्न है जिसमें एक ही तापक्रम का ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन पॉइंट है। अब इसके एक पैटर्न में 1A में ट्रांजिशन पॉइंट के कम तापक्रम पर अगर एग का इनक्यूबेशन हो तो मेल बनता है, और अधिक तापक्रम पर अगर इनक्यूबेशन हो तो फीमेल बनती है। इस तरह की स्थिति टर्टल्स के विकास में देखा जाता है। टुआटारा में, जिसे पैटर्न 1B कहते हैं, एक सिंगल ट्रांजिशन जोन है, लेकिन इस ट्रांजिशन पॉइंट के नीचे यानी लो टेम्परेचर पर विंटर में
फीमेल का निर्माण होता है और अधिक तापक्रम यानी समर में मेल का निर्माण होता है। तो यह दोनों पैटर्न 1A और 1B टर्टल्स और टुआटारा का एक दूसरे के विपरीत हुआ। अब पैटर्न 2 में दो ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं। इन दोनों ट्रांजिशन पॉइंट्स के बीच में अगर टेम्परेचर रहे, मान लिया 30 से 35 डिग्री के बीच टेम्परेचर रहे, तो उसमें मेल बनेंगे। लेकिन अगर 35 से ऊपर तापक्रम हो या 30 से कम तापक्रम हो, अधिक ठंडा में और अधिक गर्मी में, दोनों ही कंडीशन में फीमेल बनेगी। तो यह घटना बहुत सारे टर्टल्स में, लिजार्ड्स में और क्रोकोडाइल्स में भी पाए जाते हैं। अब भेड़ियों में भी इस तरह की घटना देखी गई है। हो सकता है कि तापक्रम का प्रभाव कई अन्य जंगली मैमल्स पर पड़ता हो, लेकिन हमने अभी तक सारे एनिमल्स में जेनेटिक स्टडी किया नहीं है, इसलिए अनुमान लगा के किसी का नाम बताना, किसी स्पेसीज की चर्चा करना उचित नहीं है। अब इस फिगर में दिखलाया गया है ट्रांजिशन पॉइंट एक ही है, इससे कम तापक्रम पर मेल बन रहा है टर्टल्स में और कम तापक्रम पर फीमेल बन रही है टुआटारा में, जबकि हायर टेम्परेचर पर फीमेल बन रही है टर्टल्स में और मेल बन रहा है टुआटारा में। जबकि नीचे वाले डायग्राम में दो ट्रांजिशन पॉइंट है, इधर भी लोअर एक्सट्रीम और इधर भी अपर एक्सट्रीम, कम तापक्रम पर भी फीमेल, अधिक तापक्रम पर भी फीमेल और इंटरमीडिएट टेम्परेचर पर यह मेल बन गया। ऐसी घटना क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स में पाई जाती है। अब क्रोमोसोम के आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को देखिए। सबसे पहले हैंकिंग नाम के वैज्ञानिक ने 1891 में एस्क्वेस बग, एक छोटे से इंसेक्ट पायरोकोरिस पर काम करते हुए देखा कि इसके मेल में 50% गैमिट में एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, मतलब इस इंसेक्ट के फीमेल में 24 क्रोमोसोम है तो सारे ओवा में 12-12 क्रोमोसोम जाते हैं, लेकिन मेल में 23 क्रोमोसोम है तो 50% में 12 और बाकी 50% में 11 क्रोमोसोम जाता है। तो वह 12वां क्रोमोसोम जो अकेला है उसको उन्होंने एक्स बडी नाम दिया, लेकिन इस दो प्रकार के गैमिट्स का मेल और फीमेल संतान के निर्माण में कैसे और क्या योगदान होता है इसे उन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो यह केस कैसा हुआ, तो फीमेल है होमोगैमिटिक, एक समान गैमिट बनाने वाली, और मेल है हेटरोगैमिटिक यानी दो प्रकार के गैमिट्स बनाने वाले। अब ऐसा ही एक अन्य रिजल्ट ग्रास होपर, घास में पाए जाने वाले हरे हरे कीड़े जो घास खाया करते हैं, उनका एक स्पेसीज है जाइफीडियम फैसिएटम, उसमें भी 24 क्रोमोसोम फीमेल में पाया जाता है और मेल में 23 क्रोमोसोम। तो मैकक्लंग ने जब 1902 में इस स्पेसीज के मेल और फीमेल का अध्ययन किया तो वे निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये जो दो प्रकार के गैमिट्स हैं इन्हीं के कारण इनकी संतान फीमेल या मेल होती है। कैसे, तो सारे ओवा एक प्रकार के हैं, सभी में AX क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन मेल में कुछ में एक्स बनेगा कुछ में एक्स नहीं रहेगा। तब
इस एक्स क्रोमोसोम एक्स बॉडी के बदले अब ये एक्स क्रोमोसोम नाम हो गया, और बाकी जो 11 जोड़ा क्रोमोसोम्स हैं उन्हें ऑटोसोम का जोड़ा यानी 2A नाम दिया गया। अब अगर एक ओवम एक्स स्पर्म से फर्टिलाइज करता है तो ऐसी स्थिति में फीमेल चाइल्ड बनेगी, और अगर AO स्पर्म से फर्टिलाइज करता है तो मेल चाइल्ड बनेगा। यह है AAXO, दो प्रकार के स्पर्म बने AX और AO, यानी AX में 12 और AO में 11 क्रोमोसोम है। यह हेट्रोगैमेटिक मेल हुआ। अब फीमेल के ओवम में क्या है, तो सिर्फ AX है। अब अगर यह ओवम AX स्पर्म से फर्टिलाइज करे तो फीमेल चाइल्ड, और AO स्पर्म से फर्टिलाइज करे तो मेल चाइल्ड बनेगा। इस चीज़ को आप इस डायग्राम के थ्रू देखिए। मेल है AAXO, गैमिट बने दो तरह के AX और AO। फीमेल है AAXX, सारे गैमिट हैं AX। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जिस संतान में AAXX होगा वो फीमेल बन जाएगी, और जिस संतान में AAX होगा वो मेल बन जाएगा। अब इसके कुछ दिनों के बाद 1909 में ड्रोसोफिला पर काम करते हुए मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि ड्रोसोफिला में एक बहुत छोटा डॉट जैसा खूब टाइटली पैक्ड क्रोमोसोम है, यानी हेट्रोक्रोमेटिन है, जो हमेशा डिवीजन के समय में एक्स क्रोमोसोम से जोड़ा बना लेता है, जुट जाता है। इसका मतलब यह भी एक प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम हुआ। तो उन्होंने इस डॉट लाइक क्रोमोसोम का नाम रखा वाई क्रोमोसोम या एलोसोम। बाकी सारे तो ऑटोसोम हैं ही। अब इसमें मेल का दो प्रकार का गैमिट बना AX और AY, यानी फिर फीमेल है होमोगैमिटिक और मेल है हेट्रोगैमिटिक। फर्टिलाइजेशन का पैटर्न पहले जैसा ही होगा, सिर्फ यही अंतर होगा कि यहाँ स्पर्म AX और AY है, O के बदले Y है। अब यह पैटर्न आदमी सहित लगभग सभी मैमल्स में मिलता है, और एक प्लांट है मेलेंड्रियम, उसमें भी पाया जाता है। ह्यूमन में तो वाई क्रोमोसोम का आकार 20वें और 21वें क्रोमोसोम के बीच है, यह सबसे छोटा नहीं है, डॉट लाइक नहीं है, और मेलेंड्रियम में तो यह सबसे बड़ा क्रोमोसोम है। सभी ऑटोसोम से बड़े आकार का इसका यह एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है। अब यहां देखिए पैटर्न वही है, मेल का AX स्पर्म फर्टिलाइज किया किससे, तो ओवम से, तो बन गया AAXX फीमेल। और जब AY स्पर्म फर्टिलाइज किया ओवम से तो बन गया AAXY मेल। अब ये X एक ग्रासहोपर में भी है, और एक अकेला X ड्रोसोफिला और ह्यूमन में भी है, दोनों ही केस में मेल बनते हैं। तो ऐसा लगता है कि वाई रहे या नहीं रहे, मेल बन गया। तो एक एक्स रहने पर मेल और दो एक्स रहने पर फीमेल बन जाती है। इस बात को देखते हुए ब्रिजेज नाम के वैज्ञानिक ने एक जेनेटिक बैलेंस थ्योरी नाम का सिद्धांत दिया,
उन्होंने कहा कि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम की मात्रा में एक संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर एक सेट एक्स हो और दो सेट ऑटोसोम हो तो एक्स बाय ए रेशियो 1/2 यानी कि 0.5 होगा। अब अगर यह 0.5 है तो नॉर्मल मेल बन जाएगा, लेकिन अगर दो एक्स हो और दो ऑटोसोम हो तो एक्स बाय ए रेशियो कितना होगा, 1.0, 2/2 = 1। इसमें फीमेल इंसेक्ट बन जाएगी। लेकिन अगर इससे अलग कोई और रेशियो मिलता है तो एबनॉर्मल सेक्स डिफरेंशिएशन होगा, यानी 0.5 से कम अनुपात मिलता है तो एक सुपर मेल, कहने का सुपर मेल बनता है। बीच का रेशियो हो तो इंटरसेक्स बनता है, और अधिक अनुपात मोर देन 1:1 आ जाए तो सुपर फीमेल बनती है। लेकिन यह सुपर मेल, इंटरसेक्स और सुपर फीमेल ये सभी एबनॉर्मल है और इनफर्टाइल है, इन्हें संतान नहीं होती है। लेकिन यह जेनिक बैलेंस थ्योरी या जेनेटिक बैलेंस थ्योरी सभी इंसेक्ट पर लागू नहीं होता है। हनीबी का मेल बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोजिनेसिस नाम की घटना के द्वारा सीधे एग सेल से बन जाता है। तो एग सेल तो एएक्स होता है, तो एक सेट ऑटोसोम और एक सेट सेक्स क्रोमोसोम, एक्स बाय ए रेशियो तो 1 हो गया। तो इसमें 1 रेशियो है और फीमेल में भी 1 रेशियो है, यानी यहाँ पर पूरा सेट एक ही सेट है, 1n है, हैप्लॉइड है, तो मेल है। इसका मतलब रेशियो से हर एक इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है, और पार्थिनोजिनेसिस नाम की यह घटना बहुत सारे इंसेक्ट और क्रस्टेशियन में पाया जाता है। इसी तरह आदमी में अगर वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स की संख्या 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन अगर वाई रहता है तो मेल बन जाता है, और वाई नहीं रहता है तो फीमेल बन जाती है। वहाँ भी यह एक्स बाय ए रेशियो नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो लोगों ने कहा कि मेलनेस के लिए वाई क्रोमोसोम का होना जरूरी है। तो ह्यूमन बीइंग पर हम लोग अलग से एक छोटा सा क्लास रखेंगे, क्योंकि उसमें कई एबनॉर्मल केसेस डिस्कस करना पड़ेगा, एक नए तरह के सिद्धांत की उत्पत्ति करना पड़ेगा। अब इन दोनों मैकेनिज्म के उल्टा भी कभी कभी मिलता है। कुछ रेप्टाइल्स में और सभी बर्ड्स में, मेल में सभी क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं, उनमें AA ZZ कहा जाता है। मेल में 2 सेक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में 2 रंगा सेक्स क्रोमोसोम है, तो उसे AA ZW कहा गया। यानी इस केस में फीमेल 2 प्रकार के एग उत्पन्न करेगी। तो यह केस ड्रोसोफिला और ह्यूमन का उल्टा हुआ। यहाँ पर AZ से फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल बनेगा, और AW से फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल बनेगी। और कुछ मोथ में, सिल्क मोथ जैसे कि, उसमें मेल के अंदर AA ZZ लेकिन फीमेल के अंदर AA ZO है। यानी यह केस ग्रास होपर का उल्टा केस है। यहाँ भी मेल है होमोगैमेटिक और फीमेल है हेट्रोगैमेटिक। तो इस प्रकार हमने सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म देखा। अब हम लोग अगले सेशन में विशेष रूप से ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है,
वहाँ पर वाय का क्या महत्व है इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।